नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखे थे नीड और नीडेड। नीड का हिंदी होता है आवश्यकता है, जरूरत है, और नीडेड का हिंदी होता है आवश्यकता थी, जरूरत थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नीड टू, जिसका हिंदी होता है किसी कार्य को करने की आवश्यकता है या फिर किसी कार्य को करने की जरूरत है। तो चलो वाक्य के माध्यम से इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य है हमारे यहाँ पे, आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है नीड और नीड के साथ टू, और उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो वाक्य है, आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, तो इसका ट्रांसलेट होगा यू नीड टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों, यहाँ पर टू हमने इसलिए लगाए हैं, जब दो वर्ब एक साथ आता है तो टू का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से दूसरा वर्ब इन्फिनिटिव बन जाता है, और कई बार दूसरे वर्ब को आईएनजी लगाकर जीरेंट बनाते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर टू लिखा है, क्योंकि आपको पता है नीड जो एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, और लर्न जो है मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। तो वाक्य हुआ हमारे यहाँ पे, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। चलिए दोस्तों, इसी वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है, आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू नीड नॉट लर्न इंग्लिश, मतलब आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, मतलब आपको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब हम नीड नॉट का यूज़ करेंगे तो वर्ब के पहले टू नहीं आएगा, और जब हम डू नॉट यूज़ करेंगे तो वर्ब के पहले टू आएगा। तो चलो और वाक्य से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है, आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू नीड टू प्रैक्टिस, मतलब आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। चलो दोस्तों, अब इसी को नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो वाक्य है, आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू नीड नॉट प्रैक्टिस, मतलब आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एक और बताया था ट्रांसलेट करने का, तो वो होगा यू डू नॉट नीड टू प्रैक्टिस, मतलब आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। चलो दोस्तों, इसके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू नीड नॉट वरी, मतलब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू वरी, मतलब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम नीड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से भी वाक्य बनाते हैं, जिसका हिंदी होता है कोई क्रिया को करने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो इसको हम वाक्य के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो वाक्य है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नीड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो इसी फॉर्मूले की मदद से इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, मतलब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू नीड नॉट हैव गॉन ऑन फुट, मतलब तुम्हें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें उसको तुम्हारी उम्र बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू नीड नॉट हैव
टोल्ड हिम योर एज, मतलब तुम्हें उसको तुम्हारी उम्र बताने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी, मतलब तुम्हें मेरी राह देखने की ज़रूरत नहीं थी। चलो और वाक्य से देखते हैं, तुम्हें लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू, मतलब तुम्हें लाइन पे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी।